साल 2016 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी दंगल। आमिर खान स्टार इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और बन गई थी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म। आमिर खान ने खुद माना है कि उनकी आने वाली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार उनके लिए दंगल से भी बड़ी है। अब दंगल से भी बड़ी फिल्म है तो क्या ये मान ले कि सीक्रेट सुपरस्टार 2017 की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी? अद्वैत चंदन के निर्देशन में बनी ये फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार दिवाली के मौके पर यानी 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में मुख्य किरदार दंगल फेम जायरा वसीम जबकि सपोर्टिंग रोल में आमिर खान होंगे। आमिर खान फिल्म में एक म्यूजिक डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे जो उनके पिछले सभी कलाकारों से किरदारों से काफ़ी अलग है। लेकिन इस फिल्म की राह आसान नहीं है क्योंकि इसके सामने अजय देवगन की मल्टी स्टारर फिल्म गोलमाल 4 आने वाली है। ऐसे में देखना ये होगा कि आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार दंगल जैसा धमाका कर पाती है या नहीं, या फिर वो गोलमाल के आगे घुटने टेक देगी। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आमिर खान की ये फिल्म बहुत ज़्यादा कमाएगी या नहीं, या फिर गोलमाल के आगे पस्त हो जाएगी। और भी खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ हर खबर के लिए।